Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So, today we have brought a new topic for you from your English grammar lesson number 4 topic the sentence page number 13, 14, and 15. Okay, students, so let's move to our topic. So, before starting the video, वी शुड गेट टू नो दैट जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो हमें कुछ लेटर्स का ज्ञान होता है हम कुछ लेटर्स ही बोल पाते हैं अपने मुँह से यानी कुछ थोड़ी सी ध्वनियां ही निकाल पाते हैं साउंड निकाल पाते हैं तो फिर हम लेटर्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं वर्ड बनाते हैं क्लियर जो कि हमें कोई ना कोई सेंस देता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे एम आई एल के जोड़ दें तो क्या बन जाएगा मिल्क बन जाएगा ठीक है एक वर्ड बन जाएगा मिल्क और मिल्क का क्या होता है मतलब मीनिंग क्या होता है दूध होता है ठीक है और फिर बहुत सारे वर्ड्स को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा सेंटेंस बन जाएगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें कोई ना कोई सेंस दे कोई अर्थ निकाल के दे ये नहीं कि हम बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ दें और उसमें कोई सेंस ना निकल कर आए तो वो सेंटेंस नहीं होगा ठीक है इसी तरह से वर्ड्स में है अगर हम वर्ड्स में बहुत सारे लेटर्स को जोड़ते हैं और उसमें कोई सेंस निकल के नहीं आती है तो वो वर्ड नहीं होगा हाँ अगर वो कोई सेंस दे रहा है तो वो वर्ड है ठीक है इसी तरह से अगर हम बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ते हैं और सेंटेंस में सेंटेंस बन रहा है जिसमें कोई सेंस आ रही है तन तो वो एक सुटेबल सेंटेंस है ठीक है लेकिन अगर कोई सेंस नहीं निकल के आ रही है तो वहाँ पर हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे ओके स्टूडेंट्स इज़ दट क्लियर सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर फोर्थ लेसन द सेंटेंस एक वाक्य के बारे में ठीक है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस एंड हैज़ अ वर्ब एक वाक्य यानी एक सेंटेंस जो है उसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक है दैट मेक सेंस जिसमें एक कोई ना कोई सेंस निकल के आती है कोई ना कोई अर्थ निकल के आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह जो में कोई ना कोई अर्थ देता है एंड हैज़ अ वर्ब और उसमें कोई ना कोई क्रिया छिपी होती है कोई कोई ना कोई कार्य हो रहा होता है ठीक है तो वो होता है सेंटेंस ठीक है यहाँ पे एक डेफिनेशन बन रही है व्हाट इज सेंटेंस सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस एंड हैज अ वर्ब क्लियर हियर वी हैव सम एग्जांपल्स ही इज रनिंग शी इज अ गुड गर्ल द बॉय इज ईटिंग हिज लंच आई एम हंगरी दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस ठीक है क्लियर देखिए बारी बारी से देखिए ही इज़ रनिंग वह दौड़ रहा है कार्य हो रहा है यहाँ पे कोई सी इज़ अ गुड गर्ल यहाँ पे एक सेंस निकल के आ रही है करत्य निकल के आ रहा है कि वह लड़की बहुत ही अच्छी है द बॉय इज़ ई ईटिंग हिज लंच यहाँ पे कार्य हो रहा है कार्य कर रहा है क्या कर रहा है और कि वह बॉय जो है वो लड़का जो है अपना खाना खा रहा है ठीक है आम हंगरी आम हंग रे मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी हुई है ठीक है तो यहाँ पे भी सेंस निकल के आ रही है ठीक है ओके लेट्स मूव अ सेंटेंस ऑलवेज ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो स्टूडेंट्स सेंटेंस जो है वो हमेशा किसी ना किसी कैपिटल लेटर से शुरू होता है ठीक है कैपिटल लेटर यानी जो बड़े अल्फाबेट होते हैं जैसे ये हो गए इनसे शुरू होता है इनसे कभी नहीं शुरू होता ठीक है जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा क्लियर एंड एंड्स विद और ख़त्म किससे होगा एंड्स विद फुल स्टॉप फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एंड Any exclamation marks clear देखो स्टार्ट किससे होगा सेंटेंस किसी ना किसी कैपिटल लेटर से ठीक है कोई भी कैपिटल लेटर होगा स्टार्टिंग में और एंड किस पे होगा ख़त्म किस पे होगा या तो फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे या किसी exclamation मार्क्स पे तो ये पहचान है ठीक है एंड किस पे होगा इस पे इस पे और इस पे ठीक है और स्टार्टिंग किसी ना किसी कैपिटल लेटर से क्लियर ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड Here we have some questions. Tick the sentence that दैट sense and cross the ones that do not. यानी ऐसे सेंटेंस पे टिक लगाना है जो कोई ना कोई सेंस दे रहे हैं और उन पर क्रॉस लगाना है जो कोई ना कोई भी सेंस नहीं दे रहे हैं जैसे यहाँ pe है over the bridge, ब्रिज के ऊपर लेकिन कौन कौन है ब्रिज के ऊपर क्या कर रहा है कोई सेंस नहीं आ रही है तो इस पर हम क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे और इसके अलावा आप यहाँ पे देख भी रहे होगे कि यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क्स या क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रॉस ठीक है एंड सेवन देखते हैं अब सीधा यहाँ पे रिया हैज़ गॉन अवे रिया जा चुकी है ठीक है तो ये एक सेंस दे रहा है ठीक है और यहाँ पर एक वर्ब भी आ रही है गौन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टिक हो जाएगा ठीक है बाकी आपको यहाँ पे खुद से सॉल्व करने ये वाले ठीक है यहाँ पे आपको देखना है किस में से सेंस निकल रही है किसमें से नहीं निकल रही है क्लियर नेक्स्ट वन रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मेक सेंसिबल सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप रिमेंबर टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स यानी हमें रीअरेंज करना है जो जंबल वर्ड है इन यहाँ पे आपको क्या कर रखा है ये इस पी क्वेश्चन में आपको जंबल वर्ड्स दे रखे यानी वर्ड्स को मिला रखा है इधर उधर और हमें उनको सेंसिबल सेंटेंस बनाना है और याद रहे कि जो हमारा सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो और ख़त्म फुल स्टॉप पे होना चाहिए ठीक है और कोई ना कोई सेंस निकल कर आनी चाहिए और इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है प्रॉपर नाउन का वो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए प्रॉपर नाउन आप जानते हैं ना प्रॉपर नाउन क्या होता है किसी भी चीज़ का नाम आ जाए ठीक है तो उसको हमें किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए किसी भी आ, किसी भी जगह का नाम आ जाए ठीक है तो इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं उनके नाम को हमें उनके नाम के फर्स्ट लेटर का हमें कैपिटल करना है क्लियर सो हेयर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन दिल्ली न्यू बिग इज सिटी ए ये तो जम्बल वर्ड हो गए इसमें से कोई सेंस नहीं निकल रही है ठीक है तो सेंस कैसे निकलेगी इनको अरेंज करेंगे कैसे कैसे अरेंज करें बताइए वेरी गुड ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए इसको हम ऐसे अरेंज कर कर सकते हैं दिल्ली इज आ न्यू बिग सिटी राइट दिल्ली इज़ द न्यू बिग सिटी यहाँ पे से यहाँ से, से सेंस भी निकल रही है और हमारा फुल स्टॉप पर एंड भी हो रहा है क्लियर नेक्स्ट वन इज़ केयरफुल विद द नाइफ़ बी केयरफुल विद द नाइफ बी बताइए क्या होगा बताइए 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 शाबाश केयरफुल विद द नाइफ बी बताइए वेरी गुड तो इसका क्या होगा बी केयरफुल विद द नाइफ ठीक है यानी चाकू से काम करते हुए ध्यान से ध्यान पूरा का पूरा ध्यान काम करते हुए चाकू पे रहना चाहिए ठीक है थर्ड वन इज़ स्तुति डज लाई नॉट टेल अ ये भी एक जंबल वर्ड हो गए बहुत सारे इनका सेंस नहीं निकल रहे तो हमें क्या करना है देखिए स्तुति नाम आ रहा है तो फर्स्ट लेटर तो अपने आप ही बड़ा होगा ठीक है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा एस बड़ा हो जाएगा स्तुति डज नॉट टेल अ ल लाई स्तुति कभी भी झूठ नहीं बोलती है स्तुति डज़ नॉट टेल अ लाई क्लियर क्लियर वेरी गुड फोर्थ वन इज़ सा फाइव कंगारूज आई तो इसका क्या हो जाएगा देखिए आई को हम आगे ले आएंगे आई सॉ फाइव कैंगोज़ ठीक है यानी मैंने पांच कंगारों को देखा है क्लियर सेंस निकल रही है ओके स्टूडेंट्स सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे तो स्टूडेंट्स आपको ये बाकी जो बच गए जंबल वर्ड्स इनको एक सेंसिबल सेंटेंस की फॉर्म में लेकर आना है आपको इसको लिखना है ठीक है बनाना आपको एक सेंसिबल सेंटेंस ओके सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सी क्लियर ओके यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यानी आपको खुद का कोई भी सेंटेंस बनाने हैं जिनमें आपके ये वर्ड आए ठीक है तो जैसे फर्स्ट वन है हेच है, हैच होता है अंडों में से बच्चे निकलना ठीक है तो इसका आप बना सकते हो अपने किस अपने वर्ड्स में जैसे द एग् टेक् द एग् टेक्स फिफ्ट डेज टू हैच ठीक है ये बन सकता है सेकेंड वन इज़ ग्रो ग्रो सो हम बना सकते हैं द प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो ठीक है ठीक है ग्रो होता है उगना क्लियर सो स्टूडेंट्स बाकी आपको ये खुद करने हैं एंड आई होप आप इसको आसानी से कर लेंगे एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड एंड यू कैन आस्क ओके वेरी गुड सो स्टूडेंट्स हेयर वी हैव पार्ट्स ऑफ अ सन्टेंस यानी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं तो वो हम जानेंगे अभी तक हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है जो हमें कोई ना कोई सेंस देता है कोई ना कोई अर्थ निकाल के देता है क्लियर अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में तो कितने पार्ट्स होते हैं वो दे, देखते हैं ई सन्टेंस इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स यानी कितने पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं क्लियर फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट इट टेल्स एस वह और व्हाट द सन्टेंस इज अबाउट यानि सब्जेक्ट हमें ये बताता है सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस हमें बताता है यानि इट टेल्स एस वह और वट देंटेंस इज़ अबाउट यानी जो वाक्य है वो किसके बारे में बोला गया है सब्जेक्ट में वो आता है यानी yani सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में सेंटेंस बोला जाता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल द लिटल ब्राउन डॉग वैकड हिज टेल द लिटल ब्राउन डॉग वैक्ड हिज टेल यानी जो छोटा सा ब्राउन रंग का जो कुत्ता है वो अपनी पूछ को हिलाता रहता है द सन्टेंस टेल्स अबाउट द लिटल ब्राउन डॉग देखिए ये द लिटल ब्राउन डॉग द सब्जेक्ट इज द लिटल ब्राउन डॉग यानि सेंटेंस किसके बारे में बोला गया है कौन अपनी पूछ को हिलाता है द लिटल ब्राउन डॉग तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट क्लियर द सेकेंड वन इज़ प्रेडिकेट इट टेल्स अबाउट वट द सब्जेक्ट डज और इज यानी यह हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है ठीक है या वो क्या है ठीक okay? है ओके यानी जो प्रेडिकेट है वो हमें यह बताते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया है और वो, या वो क्या है क्लियर सो फॉर एग्जाम्पल द लिटल ब्राउन डॉग वैकड इज टेल तो इसमें जो लिटल ब्राउन डॉग है वो तो हमारा क्या था सेंटेंस था ठीक है एंड वैक्ड हिज टेल द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज वैक्ड हिज टेल यानी जो लिटिल ब्राउन डॉग था वो क्या हिला रहा था अपनी पूछ हिला रहा था यानी वैक्ड हिज टेल क्या है प्रेडिकेट है वैक्ड हिज टेल क्या है हमारा प्रेडिकेट क्लियर वेरी गुड ओके स्टूडेंट्स सो हेयर वी हैव मैच द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट्स टू मेक सेंसेबल सेंटेंसेस क्लियर यानी हमें जो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इनको इन प्रेडिकेट के साथ मैच करना है ठीक है जो हमें सेंसेबल सेंटेंस बनाकर दे सके ओके सो द ब्राउन बीयर द ब्राउन बीयर ये इसको किससे मैच करें इज माई सिस्टर नो कोई साइंस नहीं दे रहा है क्योंकि भालू किसी की बहन थोड़ी होगा ओके हैज़ लेड फाइव एग्स उसने पांच अंडे दिए ये भी नहीं भालू कभी अंडे नहीं दे सकता ये भी गलत है एट ऑल एट ऑल द हनी जो ब्राउन बियर है भालू है उसने सारा का सारा शहद जो है वो खा लिया तो ये इससे मैच हो सकता है क्योंकि भालू को शहद बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है ठीक है तो द ब्राउन बियर एट ऑल द मनी तो ये किससे मैच हो जाएगा इससे मैच हो जाएगा क्लियर द गर्ल ऑन द राइट द गर्ल ऑन द राइट यानि जो राइट right साइड में जो गर्ल है वो क्या है तो इज़ माई सिस्टर ये इसके साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट मैच हो रहा है बिल्कुल सुटेबल so सेंस दे रहा है ठीक है माई फेवरेट शर्ट माई फेवरेट शर्ट जो मेरी पसंदीदा जो शर्ट है़ लेड फाइव एक्स अब शर्ट अंडे तो देती नहीं है नहीं ना तो है़ गन फॉर वॉशिंग यानी वह धुलने के लिए गई हुई है क्लियर अब बचा द ब्राउन डक जो ब्राउन डक है हैज़ लेड फाइव एग्स उसने पांच अंडे दिए हैं ठीक है तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको क्लियर ओके सो हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर ए चूज अ सुटेबल सब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस यानी हमें यहाँ से इस बॉक्स में से सुटेबल सब्जेक्ट चूज करना है ठीक है और यहाँ पर हमें फिल करना है ठीक है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए तो द फर्स्ट वन इज़ गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क तो कौन देता है भाई मिल्क हमें ठीक है बताइए 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 शबाश अ बिग स्पाइडर नो दर्ड रॉप द वर्ड स्पाइडर नहीं हो सकता ठीक है मकड़ी होती है वार जो है अलमारी होती है सूर्य भी नहीं देता ठीक है नॉट द ब्लैक का येस दिस इज़ द राइट राइट सुटेबल सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ओके तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे द ब्लैक काव ओके क्लियर वेरी गुड तो बाकी आपको ये खुद से फिल करने हैं क्लियर स्टूडेंट्स सो थैंक यू हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ़ यू और इनको एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिए जितना भी आपने पढ़ा है ठीक है अगर कोई डाउट है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं ओके तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में थैंक यू हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ़ यू